So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन के बारे में। साइक्लाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या क्या चीजें हमें लिख करके आनी है, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारी सातवीं वीडियो है जो कि डिसकनेक्शन के ऊपर है, और डिसकनेक्शन में साइक्लाइजेशन एक टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आता है तो क्या क्या लिखना है वो देखते हैं। द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग टेक्स प्लेस बाई ए साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन से कहते हैं जिसमें ए साइक्लिक रिंग से साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ए साइक्लिक रिएक्टेंट से साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बाय द हेल्प ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन वी कैन फॉर्म 5, 6, 7, 8 मेंबर रिंग, यानी कि हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। In which mostly 5 member and 6 member ring are more stable as compared to other, यानी कि इन जो ये जो रिंग है ना 5 member, 3 member, 6 member, 8 member ये जो रिंग है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 5 member और 6 member रिंग। क्यों होती है तो देखो, यहाँ पर जो 3 member रिंग होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये बॉन्ड एंगल लगभग 60 degree होता है, और हमारा जो ये कार्बन है ये sp3 hybridized कार्बन है, और sp3 hybridized कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ना उस बॉन्ड एंगल को 109.28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 60 degree है। इस वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेन, इतना ज्यादा तनाव पैदा होता है कि ये जो रिंग बनी हुई है ये खुलना चाहती है, इसी वजह से ये जो 3 member रिंग है ये अनस्टेबल होती है। तो देखो, किसी भी चीज के अनस्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, अनस्टेबिलिटी का कारण होता है कि जो एटम प्रेजेंट है उन एटम को उनका प्रॉपर जो बॉन्ड एंगल है वो मिल रहा है या नहीं। यहां पर ये जो कार्बन है इसे 109.28 बॉन्ड एंगल चाहिए, यानी कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये दो हाइड्रोजन और प्रेजेंट है इस कार्बन के पास, तो ये जो जितना भी बॉन्ड एंगल है इसे इस सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.28 होने चाहिए, ताकि इस कार्बन की जो ये सारे के सारे एटम जुड़े हुए हैं इनमें रिपल्शन कम से कम हो सके, लेकिन यहाँ पर तो केवल 60 degree है। इस वजह से यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल है ना, इस बॉन्ड एंगल में इन दोनों के दोनों बॉन्ड्स में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, जिससे ये रिंग खुलना चाहती है, और इसी के कारण हमारे 3 member और 4 member जो रिंग होती है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, और 5 member और 6 member में ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना ये काफी होता है, ये लगभग 109.28 के लगभग हो जाता है, जिससे इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होता है, जिससे 5 member और 6 member जो रिंग होती है उन्हें स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं। यहां पर ये हमारे पास एक साइक्लिक रिंग है, यानी कि साइक्लिक प्रोडक्ट है, तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें हमें डिसकनेक्शन कराना है। अगर इसमें डिसकनेक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका डिसकनेक्शन कराएंगे, उसे तोड़ेंगे, जिससे क्या बनेगा, ये कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें दो जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है उनको हम डिस्कनेक्ट कराएंगे और हमें ये सिंथोन्स मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर भी सिंथोन्स बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर OH आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, H+, यानी कि ये पूरा पूरा मैंने क्या बनाया है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया है, आप पहले सिंथोन्स भी बना सकते हो, यहां पर बॉन्ड को तोड़ करके यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हो, उसके बाद आप ये बना सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट बना दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये जो दो बॉन्ड है इन बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये दो बॉन्ड टूटेंगे तो हमें ये दो स्पीशीज देखने को मिलेंगी। तो देखो, नाइट्रोजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, जब भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें OH जो है उसके 1 और 2
पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH की सेकंड पोजीशन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एपॉक्साइड रिंग बनती है, ठीक है। तो इसकी सिंथेटिक इक्विवेलेंट एपॉक्साइड रिंग बन चुकी है और यहां पर देखो N पर 2 माइनस चार्ज है, यहां पर दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहां पर NH2 ये बन चुका है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस करा करके देखते हैं कि इन दोनों कंपाउंड से, इन दोनों मॉलिक्यूल से हमें ये मिल पाता है या नहीं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, हमारे ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो किस तरीके से होगी। सबसे पहले ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का जो बॉन्ड है इस एपॉक्साइड में, बॉन्ड माइग्रेट होगा ऑक्सीजन की तरफ, नेगेटिव चार्ज आएगा, पीछे कौन आएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज, जिस पर ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये लोन पेयर यहां पर अटैक करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। जिससे नाइट्रोजन बॉन्ड तो बना लिया लेकिन चार चार वैलेंसी की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर क्रिएट हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपना एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और जो हाइड्रोजन है वो यहां पर जाकर के चिपक जाएगा और OH बना देगा, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, दूसरा मोल, हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है एपॉक्साइड का वो आएगा, क्योंकि देखो यहां पर हमारे दो मोल एपॉक्साइड के बने हुए हैं, जो कि दो मोल एपॉक्साइड के इस ये क्या है, एनिलीन के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें टारगेट मॉलिक्यूल देंगे। तो एक तो मेरा यूज हो चुका है, दूसरा यूज कर रहा हूं मैं एपॉक्साइड का मॉलिक्यूल, तो यहां पर दोबारा इसी तरफ माइग्रेट होगा, पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पर यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा और बॉन्ड बना लेगा। अब दोबारा इसकी चार वैलेंसी हो चुकी है तो एच प्लस ये बाहर निकाल करके हमें ये बना देगा, यहां पर H प्लस जब निकालेगा तो इस ऑक्सीजन पर जाएगा ये H प्लस। तो देखो मैंने वैसे ही बनाया है, यहां पर देखो ये नाइट्रोजन है, यहां पर 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, नाइट्रोजन से ये 1 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 2 नंबर कार्बन ये है 1 2, और दूसरे कार्बन से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, यहां पर दूसरे कार्बन से 1 2, दूसरे कार्बन पर O नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव पर H प्लस आएगा, यहां से निकलेगा H प्लस जाकर के ऑक्सीजन पर चिपक जाएगा और OH बना लेंगे, यानी कि मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। अब क्या होगा, यहां से H2O रिमूव होगा, H2O रिमूव होने के बाद हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल था जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन भी देखा और इसका सिंथेसिस भी देखा, और ये साइक्लाइजेशन का काफी बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पर एक और हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, देखो जो रिएक्शन है ना डिल-सेल्डर रिएक्शन, ये काफी बेस्ट एग्जांपल है साइक्लाइजेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें साइक्लाइजेशन देखने को मिलता है। रिएक्शन किस तरीके से होती है ये सिंथेसिस में देखेंगे, पहले इसका जो डिस्कनेक्शन है वो देख लेते हैं। ये सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से इसमें डिस्कनेक्शन होगा और डिस्कनेक्शन होने के बाद ये हमें दो मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। इसमें किस तरीके से होगा, देखो यार यहाँ पर ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पीछे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, यानी कि इस कार्बन पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज, पीछे क्या छोड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ माइग्रेट कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, बन चुका है। और ये जो दोनों बॉन्ड है ये टूट रहे हैं और टूटने के बाद यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पर टूटने के बाद देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट कर रहा है तो पीछे क्या छोड़ेगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या डबल बॉन्ड बना लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से आना चाहिए CHO, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। तो यहां पर अब क्या होगा, अब यहां पर भी इस तरीके से CHO, और ठीक है ये तो प्रोडक्ट में सही है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से इसमें डिस्कनेक्शन हो गया। अब इसका सिंथेसिस करते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, एक है डाइइन, एक है डाइइनोफाइल, ठीक है। डाइइन और डाइइनोफाइल की जब रिएक्शन होती है 4N+2 साइक्लोएडिशन होता है और एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, यही है डिल-सेल्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा किस तरीके से बनेगा, यहां पर ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, यहां पर ये यहां पर बॉन्ड बना लिया, इसने यहां पर बॉन्ड बना लिया, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर जाकर के डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये हमें देखने को मिलता है, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन चुका है, साइक्लाइजेशन का ये प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ साइक्लाइजेशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे साइक्लाइजेशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, द रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन इज
इज फास्ट एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो हमारी इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर साइक्लाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू दो मोलिक्यूल के अंदर। अगर हम दो मोलिक्यूल लेते हैं और उनके बीच में साइक्लाइजेशन होता है तो काफी सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं यार, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो कंसेंट्रेशन है, और उनका बीच का जो ओरिएंटेशन है, यानी कि एटम्स का जो ओरिएंटेशन है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तब एक रिएक्शन होती है दो मोलिक्यूल के अंदर। लेकिन यहां पर जो इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होता है वो तो केवल एक मोलिक्यूल के अंदर ही होता है, इसमें कोई भी कंसेंट्रेशन मैटर नहीं करती है यार, कंसेंट्रेशन चाहे कितनी भी कर लो एक मोलिक्यूल के अंदर हो रही है, दो मोलिक्यूल के अंदर थोड़ी ना हो रही है। तो एक मोलिक्यूल के अंदर होना काफी ईजी और काफी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन का, जिसमें ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले हम बेस डालेंगे तो H+ यहां से निकलने वाला है, और यहां से निकलने के बाद यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से माइग्रेट करेगा, तभी तो होगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये बॉन्ड बन चुका है। अब ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे तो ये OET- आराम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि OET जो है ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, अब यहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा, हाँ हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब इस प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, जिसमें अल्फा और बीटा पोजीशन पर कीटो है, तो बीटा कीटो एस्टर, ये COOH क्या है, COOET क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो बीटा कीटो एस्टर बनता है और इस रिएक्शन का नाम है रिफॉर्मेस्ट के रिएक्शन, ठीक है। स्टेरिक, अगला फैक्टर है स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फॉर द रेट ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट शुड बी प्रेजेंट इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि जो अटैक हो रहा है ना जिनके बीच में, उनका जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो पोजीशन है, वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट भी तब बनता है जब रिएक्टेंट के बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ उनके बीच में टक्कर होती है। अगर हमारी टक्कर इफेक्टिव नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। वैसे ही हमारे जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है, उनकी भी ओरिएंटेशन, उनका भी जो पोजीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए अटैक करने के लिए, ठीक है। यहां पर कुछ हमारे पास एग्जांपल है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा जो इफेक्ट है ये कहना क्या चाहता है। यहां पर देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इस कार्बन पर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे क्या होगा, इस बॉन्ड को हमें इस तरफ माइग्रेट कराना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव जब ऊपर जाएगा तो OET बाहर निकलेगा। अब OET का निकलना और यहां से H का निकलना साइमल्टेनियसली होता है, तो जिससे यहां पर H भी निकलता है जो कि OH बना करके बाहर निकल जाता है, यानी कि एथेनॉल बाहर निकल जाता है और हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का ओरिएंटेशन है वो एक सही मैनर के साथ हो रहा है, यहाँ पर फिक्स, यहाँ पर अटैक करने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब मान लो यार, ये जो NH2 है ये कुछ उस तरफ हो, यहाँ पर न हो करके यहाँ पर एक कार्बन और आ जाए और फिर वहाँ पर हो, जिससे इसकी डिस्टेंस बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ेगी तो यहां पर डोनेट करने में भी तकलीफें आएंगी, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अब इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, इस कंपाउंड में जो कार्बन है और जो यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ओरिएंटेशन बिगड़ रहा है यहाँ पर, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये कार्बन को अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो OH है ये काफी दूर पड़ रहा है, जिससे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड रोटेट करेगा, जिससे रोटेशन के बाद में ये बॉन्ड है, जिससे रोटेशन के बाद में ये OH कुछ इस तरीके से इस तरफ आ जाएगा, इस कार्बन के तरफ आ जाएगा, जिससे ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन के पास, ये आराम से इस कार्बन को दे सके और बॉन्ड बना सके, ठीक है। अब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ओरिएंटेशन मैटर कर रहा है। अब OH कहाँ है, इस कार्बन से काफी दूर है, ये जो पोजिशन है ये ट्रांस पोजिशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये सिस पोजिशन बन चुकी है, ठीक है।
यहां पर क्या है एच एच है, यहां पर क्या है यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। तो देखो सिस फॉर्म में ये अच्छी खासी रिएक्शन शो करता है और ट्रांसफॉर्म में इसे दिक्कत आती है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन इस कार्बन से दूर है जिससे ये अच्छी तरीके से और इफेक्टिवली इस कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए इसे रोटेट होना पड़ता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन चलता रहता है। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास ज़्यादा हिंड्रेंस होने की वजह से ये जो OH है, ये OH कुछ उस तरफ यानी कि इसकी ट्रांसपोजिशन पर मूव कर जाता है क्योंकि यहाँ पर इसे स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन हमें रिएक्शन करानी है तो इस OH को इस तरफ लाना पड़ेगा ताकि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके, यानी कि हमारी रेट बढ़ सके। तो यहाँ पर OH है, ये रोटेट करके इस तरफ आ जाएगा ताकि बॉन्ड बना सके। अब बॉन्ड बनने के बाद ये बनेगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो H+ है, ये H+ निकलेगा और इस ऑक्सीजन पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये H+ निकलेगा और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे तो ये OET बाहर हो जाएगा और माइनस OETOH बाहर हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये एस्टर देखने को मिलता है एज ए फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो यानी कि ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन तभी ज़्यादा होगी जब हमारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हैं वो नज़दीक हों और उनका जो ओरिएंटेशन है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है ना वो बढ़िया होनी चाहिए यार। जितनी ज़्यादा जितनी फास्ट इलेक्ट्रॉन देगा उतनी बढ़िया हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगले जो हमारा इफेक्ट है वो है रिंग स्ट्रेंथ। वी नो दैट थ्री और फोर मेंबर रिंग आर लेस स्टेबल, हम जानते हैं थ्री और फोर मेंबर रिंग जो होती है वो काफी लेस स्टेबल होती हैं ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, उनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह से। सो इफ इट इज ए फॉर्म देन इट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में थ्री मेंबर, फोर मेंबर, सेवन मेंबर, एट मेंबर ये रिंग का फॉर्मेशन होता है ना, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर के। यानी कि फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर अगर किसी भी रिएक्शन में बनती हैं, ये रिंग बनती हैं, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है। इनके कंपेरिजन में अगर थ्री फोर मेंबर रिंग बन रही है तो देखो यार, थ्री फोर मेंबर रिंग बन रही है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और कोई भी चीज़ अपने आप को अनस्टेबल या फिर कम स्टेबल करना नहीं चाहता है क्योंकि रिएक्शन ही स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो ये थ्री मेंबर और फोर मेंबर रिंग अगर बनेगी तो स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है और कोई भी रिएक्शन नहीं चाहती कि उसे अनस्टेबल प्रोडक्ट मिले। इसीलिए थ्री मेंबर और फोर मेंबर अगर रिंग बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी और स्टेबिलिटी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, फाइव और सिक्स मेंबर रिंग जो होती है वो मोर स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू थ्री फोर, और थ्री फोर जो होती है वो इस सेवन और एट मेंबर से थोड़ी स्टेबल होती है, लेकिन ये सिमिलर ही होती हैं, लेकिन थ्री और फोर मेंबर रिंग थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है और सबसे ज़्यादा होती है फाइव और सिक्स मेंबर रिंग। तो ये था साइक्लाइजेशन के बारे में वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।